हाय, दिस इज़ मोहित परमार प्लेइंग कृष पंडे कैरेक्टर। आप मेरे को 2 सालों से देख रहे हैं, लेकिन अब 2 सालों के बाद मेरा थोड़ा कैरेक्टर चेंज हो गया है फिर से, तो आपको मज़ा आएगा मेरे को न्यू लुक में देखने में। मैं जानना चाहिए, ये जो लीप आया है शो के अंदर, क्या कुछ चेंजेस आया है? अब बहुत चेंजेस आए हैं। घर वाले जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे एक दूसरे पे, अब एक दूसरे की जान लेने को गवा रहा है। अब एक दूसरे को फूटे आँख नहीं सुहाते हैं, एक दूसरे को देखते ही अपना मुँह फेर लेते हैं। तो अब देखना ये कि ये लोग कैसे फिर से एक दूसरे के पास में आएंगे। बिल, ये जो लड़ाई झगड़ा होता था फैमिली के बीच, पर एक जो कॉमन चीज रहता था जिससे वो यूनाइट होते थे, जिसका नाम है पांड्या स्टोर। वो स्टोर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या हुआ है? एट द एंड पांड्या स्टोर तो हमें मिल गया, लेकिन श्वेता ने ऐसा खेल खेला जिससे हम सब अलग हो गए, और ऐसे अलग हुए कि फिर कभी अभी तक जुड़ नहीं पाए। मे भी आगे जुड़े, पर अभी तक जुड़ नहीं पाए 7 साल तक। तो देखते 7 साल बाद अब क्या होता है, नई पीढ़ी हमें जोड़ पाती है। Well, लीप के बाद जो नया शो, मतलब नया स्टोरी लाइन आया है, क्या हम देखेंगे कि जो पांड्या स्टोर में जितने भी घर वाले वापस एक साथ से जुड़ेंगे और फिर से एक साथ रहना शुरू कर देंगे? जैसे पांड्या, पांड्या स्टोर, हाँ हाँ, पांड्या निवास में लगता है कि रहना स्टार्ट कर देंगे। ये तो मुझे भी डाउट है, रहेंगे कैसी कहानी आगे बढ़ेगी, पर लेट्स सी, आपको मज़ा आएगा और हमें मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि सब कुछ नया नया रिवील हो रहा है। जैसे मेरा कैरेक्टर नया रिवील हुआ है, सारा चेंज हुआ है, तो आपको मज़ा आएगा देखने में। कैरेक्टर की बात करें तो कितना अच्छा लग रहा है ये लुक आपको पर्सनली? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो सोचो मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा। फाइनली मैं बिलियनेयर बन चुका हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। इसमें ही सही, पर मज़ा आ रहा है करने। शायद हमने ये भी सुना था कि आप यहाँ नहीं, कनाडा रहते थे या कहाँ? हाँ, कनाडा चला गया था मैं, क्योंकि धरा भाभी ने बोला था तू ना लायक है, तू एक काम का नल्ला है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब धरा भाभी ने ऐसा बोल दिया तो मेरी ईगो हर्ट होगी, और फिर मैंने मेहनत की और मेहनत करके मैं बुलंदियों पर पहुँच गया। कीर्ति ने भी बोला था, एक्चुअली मुझे कीर्ति ने बोला, मुझे श्वेता ने बोला, 2 कोड़ी खा ली, फिर एक आखिरी जो सहारा थी धरा भाभी, उन्होंने भी सेम बोल दिया। तो फिर बंदे का ईगो हर्ट हो गया, बोले चलो फिर लोग IAS बनते, IPS बनते हैं, मैं बिलियनेयर बन गया। अगर कीर्ति और श्वेता के बाद अभी आपके लाइफ में और एक लड़की आई है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो माता पिता भी, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पर आपको जल्दी पता चल जाएगा, अभी तो जिप है लगी हुई। अभी जो सीन की अगर बात किया जाए, जो सीन में आप देख रहे थे काफी सीरियस नजर आ रहे थे, क्या थे, अंकल आंटी साथ में थे, तो क्या कुछ हो रहा था? वो उनके लिए मैं बेटे जैसा हूँ, तो वो मुझे खोना नहीं चाहते, उनको डर है कि अगर मैं इंडिया वापस आ गया तो वापस नहीं आऊँगा शायद उनके पास। उनका डर सही भी बट अब क्या कर सकते हैं, उनको मैंने मनाया कि नहीं मैं आने वाला हूँ जल्दी, सब कुछ इनक्लोज करके, तो लेट्स सी क्या बनता अब। वेल सर, लीव के बाद तो हमने देख लिया है कि तीनों के बच्चे हैं, क्रिश आपका ही अब कब मेरा वाला मेरी शादी, मेरी फैमिली आपके लिए अभी सरप्राइज है, अभी तभी मैं कुछ रिवील नहीं कर पा रहा हूँ, पर जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में कौन है और क्या है। लास्टली सभी फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खासकर आने वाले ट्रैक के बारे में? थैंक यू अभी तक कितना प्यार देने के लिए, आगे भी देते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपके लिए, आपको कुर्सी से बांधे रखेंगे और आपको मजा आएगा देखने में, इसलिए प्लीज देखते रहिए पांड्या स्टोर। ओके, थैंक यू।